वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। मैं कहता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ, सवा इब्राहिम ने न्यू कार ब्लॉग आया उनका, तो मुझे डीएम में मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, आप देखिएगा ना अभी, रिएक्शन दीजिएगा उस पर। तो आइए वीडियो देखता हूँ, खूब सारे लोग वीडियो चले गए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान भी काफी बड़ा हो गया, देख रहे हैं उसे ना लेकिन इसके आंटी रिजर्व रेडी हो जाओ। इज इट स्लो स्लो नहीं स्टार्ट लिया है मैंने, ये गाड़ी नहीं जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबके जाम में सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एक परफेक्ट। मैंने कहा था हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे कार लेने, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट डे जा रहे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं, अम्मी अभी नहीं जा रही है। अम्मी ने कहा बेटा घर ही तो लेके आओगे, तो बस ये लोग हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। वीडियो में तो थंबनेल में तो आंटी भी थी। दुआ करो अभी हम लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अभी आप बस अपनी खुशी रखो और सबको सलाम कर लो। बस और फ्रेंड मेरे साथ रिजा और रेहान भी जा रहे हैं, भाई अभी वहीं रुके थे तो वो वहीं से आ गए। हम लोग निकल रहे हैं, अपना मास्क ले लिया है, मैंने आउटफिट पहना है, बहुत ही क्यूट सा अच्छा लग रहा है, कपड़े पसंद है। और आप रिजा का आउटफिट देखो, आज रिजा का लुक चेंज है। गाड़ी देखिए फ्रेंड्स, रिजा ने आज कितना प्यारा, मैंने इसको कल ये दिलाया, हमने कहा तुम हमेशा फ्रॉक्स पहन के थोड़ा चेंज करो, तो मैं इसको कल ये दिला के लाई थी। ऊपर से जैकेट है और नीचे से कुर्ता है, नीचे इसने जींस में पहन लिया। कैसी लग रही है बताओ, पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है। अब रिजा कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है ना बेटी, तुम बताओ। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, अलग लग रही है, अच्छी लग रही है। कपड़े पहनना भी चाहिए। अम्मा रिजा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कपड़े कैसे लग रहे? बहुत अच्छे कपड़ा लग रहा है। अम्मा की तो वो लाडली है। हां वो तो बहुत अच्छा। अम्मा अभी हम कार लेने जा रहे हैं, फिर आके बेटा अल्लाह तोरका में आमीन गोइंग और देखिए जाते जाते हमें हमारे नेबर्स मिल गए और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, हमें बता रहे थे कि वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत खुशी होती है। सही है यार, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात। हम लोग निकल गए हैं। रेहान एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा ही टाइट हो रहा है। अभी हम लोग बस निकल गए और आपसे वहीं जाके मिलते हैं। और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ इतने दिन से तो फील ही नहीं हो रहा था कि आ भी रही है, नहीं आ रही। रात से थोड़ा सा ऐसे गूज़बम्स टाइप हो रहे थे और अभी बस वहीं चल के आपसे मिलते हैं। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, थोड़े बादल, थोड़ी धूप ऐसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी ऐसे ही है, इधर बारिश हो रही है। यहाँ पे उसका असर है, देखो धूप चली गई। रेहान आज ही सोएगा? नींद बड़ी आती है फ्रंट सीट पे बैठ मोबाइल इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है एग्जाम से पहले नर्वसनेस होती है ना, हमेशा मेरे टेंशन में ऐसे नहीं है, नर्वस क्यों और ज्यादा रेड हो जाते हैं, वही हो रहा है। अभी हम पहुंच गए शोरूम, चले चलते हैं। अभी हम पहुंच गए, लेकिन शोरूम को थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है, हम लोग उतरे नीचे। तो वहाँ पे जाके मैंने वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे बात की, उन्होंने बोला आप अंदर बैठिए, वो आ गए। उन्होंने कहा भाई अभी बस पहुँचने ही वाले हैं, आप अंदर चल के बैठिए। तो हमने कहा चलिए। और देखिए रिपब्लिक डे के लिए काफी अच्छा डेकोरेशन, हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और मेरे गाल और ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको दिख रहा होगा, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कॉफी ले लो, चाय ले लो, ग्रीन टी ले लो। ऐसे बहुत बार होता है ना, सोच रहे होते लू या नहीं लू, और जब बोलने वाले होते होते में सामने वाला निकल जाता है। लेकिन दो मिनट सोचा वो निकल गए। एक छोटा सा एग्जांपल है, फन भी आपको बताया ताकि आप भी लाइफ में जो मैं इसीलिए दे रही हूं, आई नो मुझे पता है, ग्रीन टी दे दीजिए। तो मेरे आप देखो अगर अल्लाह आप पे मेहरबान है तो अल्लाह आपको दूसरा मौका जरूर देता है, वो चले गए तो दूसरे ने आकर मौका नहीं छोड़ा। माई हैंड क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, घबरा रही है, गाड़ी ले रहे हैं, अचीवमेंट है ये, कर राइड ज्यादा होता है ये, देखो ये लेफ्ट नहीं होता। ये सब लोग आ चुके हैं लेकिन बाद में बताते हैं। अब तो दादा बहुत दिखते हैं वीडियोस में। और
अभी यहाँ पे सारी वो लीगल फॉर्मेलिटीज साइन करना ये सारी चीजें वो मुझसे साइन करा रहे थे और मैंने साइन कर दिया फाइनली। सुनली कर दिया मैंने ना। थैंक यू। ओ थैंक यू सो स्वीट। वाह। ड्राइवर ये बन गई। ये मेरा है। मेरा भी है। नहीं मैं लूंगी। मेरा भी है कि मैं। सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई है लेकिन भाई अभी ने बोला कि अम्मी के बिना कैसे डिलीवरी ले सकते हैं। मैं अम्मी से कह रही थी लेकिन अम्मी ने मेरी नहीं सुनी तो अभी वो लोग आ रहे हैं उनको बुलाया है। क्या कर रहे हैं भैया? चेक कर रहे हैं। कार तो ले ली लेकिन कार ड्राइव करनी नहीं आ रही तो मतलब क्या है। फिल्मों में दिखाते ना बीच रास्ते पे कार खराब हो जाती है फिर यहाँ पे पानी डालते कहाँ पे डालते वहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें सब सारे जो भी काम की नहीं है जो हम लोग इंटरेस्ट नहीं है वो डिपार्टमेंट संतोष भैया और शोएब का है। और ये देखो भाभी जी का जो सरप्राइज भी मिल गया है बहुत ही अच्छे फ्लावर इसमें ये लिली ये बड़ी प्यारी प्यारी है ये ब्लरी ब्लरी बैकग्राउंड आप तो वैसे भी पहले चला चुके हो ठीक है हो जाएगा आ जाएगा। अभी अम्मी लोगों के आने में टाइम था तो तब तक दूसरी कार्स भी देख रहे थे हम वहाँ पे बॉक्स पैक की लग रही है। अच्छा ऐसा इतनी अच्छी है क्या बोला? अरे देखो क्या करी रिजा करी फॉर्च्यूनर से अच्छी है कितनी गलत बात है। दिल तो मुझे जाओ इधर जाओ क्या बोलिए मुझे अच्छी तो लग रही है मुझे। ये नहीं आप मुझे लग रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है ना ये कंसीडर हो जानी है क्योंकि ब्लॉग आ जाए ऐसे कर जबरदस्त यार सारी आ गई ऊपर होके बैठना पड़ना अरे दो पोटे चढ़ने पड़ते ना बंदे सीढ़ी चढ़नी पड़ती वो सीन है हम इधर से करेंगे कंग्रेचुलेशंस केक अरे वाह टेबल ही बन गया जल्दी से केक कटिंग करते हैं या चलो बैठा नहीं बट तो बता देना बड़ी नई गाड़ी उल्टी नहीं है सबसे पहले दुआ कर लो खुशबू ही अलग सब लोग दुआ कर लो आमीन आमीन तो देखिए फ्रेंड्स आज हम अपनी कार लगेंगे तो आवाज बंद हो जाएगी अब सीट बेल्ट लगाना सीख जाओ लगा देना संतोष भाई अम्मी को नहीं आता चलो फिर बाबू आपसे बिस्तर लगा ले नहीं अम्मी पुलिस आपको पकड़ लेगी पैसे ले लेगी पुलिस को दिखता है बेल्ट नहीं उनको दूर से नजर आ जाता है यही चीजें देखनी होती है जाओगे फिर खटाक से खुद ही लगा लिया करोगे चढ़ के। हम लोग हमारी न्यू कार में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए लेकिन कुछ खा के नहीं निकले थे तो अगर है तो देखते रास्ते में कुछ खिला देंगे। अम्मी ने दुआ पढ़ ली और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि ये हमारी कार जो हमारे लिए अच्छी हो हम सबकी इसमें हिफाजत रहे और जो भी अल्लाह सब कुछ अच्छे से खैर से करे तो आप सब भी हमारे लिए जरूर 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 दुआ करें। अम्मी को इतनी खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है अल्लाह जैसे सबक को सब कुछ मिला है सबकी बेटियों को मिला है सबके लिए दुआ करें। मम्मी कह रही है कि कटल होता तो कितना अच्छा लगता है ना पहले पहुंचने में था ना सच में हर वक्त उसकी याद आती है जूते भी बाहर बाहर उतारने गिर जाएगा तो चीटी हो गई तो चीटी क्या होती है तो कब से खाएंगे कार में
जूते उते पहन उतार के फिर बैठना जूते पे कहाँ रखेंगे हाथ में लेके पन्नी में डाल के बैठेंगे दो पिलो चाहिए टिश्यू पेपर चाहिए वेट टिश्यू चाहिए सारी चीजें शोरूम से लेके ये सही है ना ऑटो ही है ऑटो भी अच्छी है बहुत ही मजा आ रहा है कार में पीछे लड़ाई चल रही है गंदा नहीं करना और ध्यान को चलता है कि जूते भी नहीं पहनने दोगी वहाँ पे अम्मी सीट बेल्ट लगाना मैनुअल कितनी छोटी सी मस्जिद अम्मी ये पीछे इतना खर्चा करके कार लिए रेहान तुम लोग मुझे गिफ्ट लाओ थोड़े थोड़े कुर्ता तो बनता है देने का टाइम है रिजा घर में हल्दी तैयार रखना हल्दी लगाते इसमें ऐसे बोलते भाई किस में लगाते लेकिन बहन किस में लगाते हम दोनों लगाएंगे हाँ बाइक को लगाया था भाई है नहीं तो भाई ला के लगा देगा कल आके इंशाल्लाह सनरूफ नहीं है लेकिन सीट्स इतनी ऊंची है कि बाहर से पूरा ये पूरा सनरूफ लग रहा है क्यों रेजा पूरा ही बहुत ऊंची है जहाँ तक अम्मी आ गए ना हमारे पास कार्ड है स्कूटर में कैश लगता है कितना एक दो एक एक हजार रुपए एक हजार में क्या होगा फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं पेट्रोल का क्या रेट है आज आप मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है 150 है बता दो कितनी बारिश बता नहीं सकते जैसे मतलब बारिश में होती है बारिश कैश था और ना ही कार्ड था हमने सारे शॉप से पूछा कि कोई हमें गूगल पे से पैसे ले ले और कैश दे दे लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं था इन्होंने कहा सामने चले जाओ सामने गए तो सामने वाले भैया ने बोला उधर चले जाओ फिर ये हमारे हमें सब्सक्राइबर भी मिल गए इन्होंने भी कहा अंदर चले जाओ हमने कहा चलो ठीक है अंदर जाके देख लेते हैं फिर सबने बताया कि कोई आपको इस तरह कैश नहीं देगा फिर धर्म दादा लेके आ उसके बाद ना बेटी घर को मास्क लेने थे हम वही देख रहे पहचान लिए लगता है यू नो हु शी इज नानू जिनका व्लॉग देखते हैं हां सबा का जहान फोटो क्लिक कर लो आज सभी करते हैं नानी को और सालों को ऑटो से लेके आ रही हूं वो वॉमिट कर रहे हैं बोल रहे हैं मीरा रोड जाना है वो राइट डिक्शन सही है अभी यहां पे ऑटो में ना गैस भर रहा है इसलिए हम लोग अभी यहां पे खड़े हुए हैं व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है दिन में भी और रात में अच्छा भी आज तो मौसम बहुत ही प्यारा था चकास हम लोग कब से आ गए थे आपको उतारो वहाँ से पापा एकदम सही थे आज ये भी आए माशाल्लाह आराम से देख उधर से धीरे धीरे आ जाओ आराम से आराम सही है अच्छे पार्किंग और पूरी स्ट्रीट खड़ी हुई है मेरे यहाँ से ना वो देखो फ्रेंड्स पापा ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन उनके चेहरे पे वो सुकून और खुशी देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था वो बोलते नहीं है लेकिन मुझे पता है वो बहुत ज्यादा खुश है हाय कर लो सबको अपना नाम बता दो मेरा नाम आरुष है आरुष अब आप दिखोगे व्लॉग में ठीक है देखना व्लॉग कब तक आएगा कल आएगा इसको भी आना है क्या नाम है तुम्हारा हसन तुम भी देखना कल अपने आप को ठीक है हैप्पी हम लोग कार लेके घर आ गए थे हम कार लेके नहीं आए थे हम तो आए थे यहाँ पे बेटी खाला लोगों के साथ मतलब आप देखो इतनी बड़ी कार आई है लेकिन फिर भी इनके साथ ऑटो में आना पड़ा सीख जाओ
खाऊंगी ज्यादा नहीं खाऊंगी, मुझे उल्टी हो जाएगी। तो हमने कहा नहीं सालू बेटा, पेट भर खा लो, खाना खाने दो, हम इनको ऑटो में ले जाएंगे। सही बात। और अम्मी आप देखो आज अम्मी देखो कितना रेडी होके बैठी है। क्यों दुपट्टा पहनने का ये मकसद है, स्पेशल हाथ में कंगन लेके बैठी है क्योंकि अम्मी को गिफ्ट मिला है। और कहाँ से मिला है वो अम्मी आपको बताएंगी। अभी जब आपने देखा होगा वीडियो में, सानू सोएब की वीडियो में बच्चे गए थे मौदहा, तो हमारी नंद ने हमें ये कंगन और ये दुपट्टा हमें भेजा बड़े प्यार से कि भाभी ये पहनो ये डालो फिर हम देखेंगे। उनका नाम तो बता दो। तोहफा, तोहफा ने तोहफा भेजा है अम्मी को। तोहफा ने तोहफा भेजा है, मैं तो साथ में मिलाया। तोहफा भेजा है, खुशी के मारे मुझे मैं क्या बताऊं। सभी कार तो आ गई है लेकिन आज कुछ और भी सोचा था प्लान करने का लेकिन फिर नहीं कर पाए क्योंकि सब कुछ स्वीट्स भी देनी है सब है। और भी जो भी करेंगे इंशाल्लाह वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। बहुत अच्छा लगा अलहमदुल्ला। पापा बहुत ज्यादा खुश थे ना अम्मी, पापा बहुत ज्यादा खुश थे। पापा तो कह रहे थे कब घूमने चलना है, वो इंशाल्लाह दुआ करिएगा पापा अच्छे रहे, उनको कहीं लेके जा पाए नई कार में। जिन सबसे पूछते कि इनको कैसा लग, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ये बताओ सोच के तुमने कभी सोचा था कि हमारी कार आएगी जिंदगी में? नहीं सोचा था, सोचना चाहिए। सोचा था कभी कार को इतना सोचेंगे तो इतना मिलेगा। मैं तो लंबा लंबा सोच मिल ही जाता है अगर बंदा लगा रहे। ले लिया, बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई यार। क्या कह रही हो, वो चेन्नई वाला वहाँ से आया था? हाँ तो चेन्नई से। हाँ चलो तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है कार आ गई। मैं तो पहले से जानती थी क्योंकि जब हम ऑटो पे जाते थे तब तुमने बोला था लेंगे कभी। हाँ। फिर फाइनली आ जा गई, हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कहीं भी जाएंगे कार में जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पांचों टाइम नमाज दुआ मांगी कि मोरे नाथ का कार आ जाए। लेकिन तुम उल्टी करती हो, बैठती नहीं हो। बैठ जाइ हो। शुक्र है लाख लाख, मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बच्चों की कामयाबी पे। करना सही है, इतना सब कुछ दिया है। और मैंने कार के लिए हाँ कभी नहीं सोचा था, घर के लिए जरूर मैंने सोचा था। घर आ गया उसके बाद फिर हिम्मत पड़ी है कि अल्लाह ने घर दे दिया, एक कार भी छोटी मोटी जैसी भी आ जाए। ऑटो में जाना और घर में कारें थी लेकिन तब भी एक लगता था कि एक सबक की कार भी आ जाए। तो अल्लाह ने वो सब उस कुछ दे दिया। उसने बहुत मेहनत करी बेचारी बच्ची ने, इंस्टाग्राम जो शुरू किया था आज करते करते यहाँ तक आ गई। और सब सभी दोस्तों की मेहनत है और सबक की मेहनत है। सर कार चलना कैसा लगा पहले तो? हाँ, मुझे तो कार आ गई बस, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मैंने पूछा था मैंने सबसे ये पूछा था कि कैसा, कभी सोचा था कि कार आ जाएगी नहीं आएगी क्या सोचा? आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं सोचा था। क्यों? ये स्ट्रेट पहले आप YouTube नहीं करती थी, फिर आपने YouTube किया, फिर आपका फ्लैट आया, फिर आपने कार ली, फिर हो गए सारे सपने। अभी तो हो रहा है यार, मैं जॉब पे तो जाती थी ना। नहीं आप नहीं जोड़ पाती थी वो जॉब, आप लोकल में चलती थी इसलिए आपके टैक्सी में पैसे खर्च हो जाते थे। मुझे गिफ्ट चाहिए मुझे हर हाल में। अच्छा व्लॉग की एंडिंग लेते हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब भाई भाभी का आपने अनाउंसमेंट सुना, उनका प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर साहब प्रोड्यूसर साहिबा वगैरह अल्लाह उन्हें कामयाब रखे, उनके साथ साथ आप सबको भी दे हम सबको भी दे। और कार तो आप आ ही गई, आपने देखा ही होगा जितना मुझे इंतजार था उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को इंतजार था। अच्छा जिनके पास नहीं है मतलब कार, देखिए जब मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऑटो में भी ट्रैवल किया, मैंने बस में भी ट्रैवल किया, मैंने शेयरिंग वाली टैक्सी में भी ट्रैवल किया, उसमें मेरे साथ बहुत अच्छे मेरे पास मतलब मेमोरीज नहीं है जब वो मैं करती थी। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैंने सब कुछ किया है और खुशी से किया है और अभी भी ऑटो में चली जाऊंगी। तो जिनके पास कुछ नहीं है ना, दिल नहीं छोटा करना है, अल्लाह पता नहीं कब क्या कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे ऐसा होगा और मेरे साथ हो गया, तो आपको बस मेहनत करते रहना और देने का काम तो अल्लाह करे। चीजें आती जाती रहती हैं, कभी भी उनसे बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह मेरी चैनल पे स्ट्राइक आई थी, दुआएं देते हैं, मैं बताया नहीं। अच्छे दिन की हो आप सब, आप ऐसी हो आप वैसी हो, आप जो मुझे समझ पाते हैं और जो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मतलब दिल से खुशी मिलती है जब मुझे लगता है नहीं जो असलियत में हूँ
वो मैं आप तक पहुंचा पाई, अपनी लाइफ से आपको कुछ इंस्पायर कर पाई। बहुत से लोग मुझे देख के व्लॉगिंग करने लगे हैं, बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि आपको देख के हमें इंस्पिरेशन मिली, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जो दुआएं आपकी है ना, वो मेरे साथ हमेशा मुझे इस तरह दुआएं देते रहिए। और मतलब मैं क्या बताऊं, लाइफ में ना कभी मैंने कोई आगे की प्लानिंग नहीं करी है। सीरियस सब लोग कह रहे हैं ना कि हमें नहीं सोचा था, क्योंकि मैं उसमें की लड़की नहीं हूँ जो घर पे हर वक्त नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। मैं हमेशा फ्लो के साथ चलती रही, मेहनत जरूर की है, जो मन में आया वो किया है, ये नहीं सोचा कि नहीं। अच्छा जैसे यूट्यूब, कभी ये नहीं सोचा था कि अच्छा कोई क्या कहेगा, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। जब मैंने पहला व्लॉग डाला था, बेसन के लड्डू फ्लॉप थे, तो बहुत से लोग बहुत ना परफेक्शन चाहते हैं, अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, कैमरा कट करके उस चीज को ठीक कर देते हैं, किसी को क्या पता कि वो कैसा बना। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं जो हूँ मैं वो दिखाती हूँ, और जैसी हूँ आप सबने पसंद किया और यहाँ तक पहुँचाया है। तो जो हो, जो मन में आ रहा है वो करो, दुनिया के बारे में मत सोचो। आपको अगर लगता है कि आपके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, तो बस आपको वो चीज करनी है, और इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह इसी तरह कामयाबी दे। अभी मैं चलती हूँ, इसी तरह दुआ देते रहो और मुझे इतना सारा प्यार देते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोज के लिए आप लोग बोलो ना, पकने के लिए, पकने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंदर जो दाना हो जाता है उसे कैसे ट्रीट करना है वो बताइएगा। और बहुत सारे साग की रेसिपी भी आई है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, जो जो मुझे देखे हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाएंगे। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह काफी लंबी वीडियो थी यार, लाइक मैं सोचे देखा, बट मैं भी ऐसे ही व्लॉगिंग करता हूँ, मैं सफर व्लॉग पे व्लॉग डालता ना, मैं भी ऐसे रैंडमली डाल देता हूँ, मैं प्रोफेक्शन नहीं करता, मैं जो भी हो रहा था ना कट वगैरह नहीं होते, पता नहीं क्यों। तो बात का चाहते हैं लोग प्रोफेशन हो, और जो देख रहे होते हैं ना वो भी आपके ना मतलब एडिट क्लास देखना चाहते हैं, तो वो नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। तो इसलिए मैं ना व्लॉग बहुत कम करता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं ट्राई करूंगा कि वीक में एक कर लिया करूँ, दो कर लिया करूँ, कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी इतनी ना लाइक बाहर गैदरिंग है, तो वो ना सब कुछ दिखाया नहीं जाता। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी है मुझे, और मुबारक एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, अच्छी वीडियो है, और गाड़ी और भी आगे और सपने हैं यार, लंबे लंबे, ज़्यादा सोचो। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.